और आप 340 का एप्लीकेशन पढ़ लेना, उसमें हमने एक्सप्लेनेशन दिया है प्रिंसिपली हाउ वी आर करेक्ट। उनकी झूठी बदनामी हुई तो उसका 100 करोड़ मांग रहे। तो जिस पर्सन की जान गई है उसकी कीमत कितनी लगाओगे आप? इंटरिम 1000 करोड़ तो बनता है ना। फिर ये करने के बाद कई एम के मेंबर को पता है, कई लोगों तक बात पहुंची नहीं होगी, मैं और एक बार बता देता हूं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया था एम के खिलाफ में, अदर पूनावाला एंड सीरम इंस्टीट्यूट में। उस कंप्लेंट में उन्होंने एक्शन मांगा था, अरेस्ट योहान, अरेस्ट अंबर एंड अदर्स, ऐसा उनका प्रेयर था। पुलिस को उनकी कंप्लेंट में कोई तथ्य नहीं लगा, बेसलेस फ्रिवोलस कंप्लेंट लगी, इसलिए उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, बल्कि ये टीम के साथ में वो हमदर्द सर्विस प्रोसेस सर्व करने के प्रोसेस में पुलिस साथ में थी आप लोगों की, और जो उनके एलिगेशन थे वो वैसे भी झूठे थे, उसके प्रूफ्स थे हमारे पास। उसके बेस पे सारे एम के मेंबर की तरफ से 1000 करोड़ का नोटिस देना चालू कर दिया। 2000 नोटिस अभी तक दिए जा चुके हैं। और हमारे प्रकाश पोरे जी का थोड़ा सा इनकम टैक्स रिटर्न ज्यादा है तो उनके तरफ से 10000 करोड़ का नोटिस दे दिया। अब इनका सूट रेडी हो गया है, इनका सूट अभी फाइल होगा। सूट में पहला ही प्रेयर है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट बिफोर जजमेंट। तो उस दिन लाइव लॉ में भी रिपोर्ट किया था हमने, कोर्ट को बोला, मतलब साहब आपको इनके बात में जरा भी तथ्य लग जाए हमारे क्लाइंट को आप अंदर डाल देना, 100 करोड़ ले लेना हमारे से, नहीं तो 2 लाख करोड़ हमको दे देना। अभी जो माहौल दिख रहा है कोर्ट का, वो लोग खुद की जान बचाने के लिए तड़पड़ा रहे। तो आप एक गौर करो, लास्ट ईयर का माहौल देखो, लास्ट ईयर में क्या माहौल था, हम हमारा एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए मतलब स्ट्रगल कर रहे थे। आज हम ये पोजीशन में आ गए हैं कि वो लोग अभी खुद की इज्जत बचाने के लिए वो लोग कोर्ट में आ रहे, कोर्ट वाला इंटरिम रिजेक्टेड। एड इंटरिम उनका 2 बार रिजेक्ट हुआ। जो पिक्चर इन्होंने क्रिएट किया था ना मीडिया, सोशल मीडिया, इसमें वो बहुत बड़े हैं, वो सब उसका भी कचरा हो गया। अभी हर व्यक्ति को ये कॉन्फिडेंस आ गया है, 2000 तो नोटिस चले गए अपने, अभी हर व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो कुछ नहीं है, उसको हम लोग हरा सकते हैं। तो जिस दिन ये कॉन्फिडेंस पब्लिक में आना शुरू हो जाएगा, उस दिन जैसा देश हमारा पहले विश्व विजयी था, विश्व गुरु था, वैसा फिर से बन जाएगा। सिर्फ ऐसा है कि लाइन छोड़ना नहीं है। एक देखो, हम अपने इतिहास से जो सीखते हैं कुछ चीजें हैं बहुत बड़े लेसन देके जाते। पृथ्वीराज चौहान थे, हाँ पृथ्वीराज चौहान का मूवी आया था आपने देखा अभी, तो महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितने बार माफ किया था? 17 times। हर बार उसको हराते थे, माफ करते थे, चला जाता था, फिर और सेना लेके आता था, फिर हमला करता था, फिर हराते थे और बड़ा दिल दिखाकर माफ कर देते। उसने एक ही बार इनको हराया और पहली बार में इनकी आंख फोड़ दिया, बाद में इनकी मौत भी हुई।
तो हमको ना, हम पृथ्वीराज चव्हाण जैसे बड़े दिल वाले नहीं है। जो व्यक्ति, जो पापी, जो मानवता का हत्यारा, हमारे देश की नहीं, दुनिया में किसी भी बेगुनाह की ऐसी हत्या करेगा पैसे कमाने के लिए, इसको जहां पहला मौका मिलेगा वहां इसको हम मौत की सजा दिलवाएंगे। और देखिए, हम इतने लकी है, हमको पृथ्वीराज चव्हाण जी जैसे या फिर शिवाजी महाराज जैसे हमको जान पर नहीं खेलना है। क्योंकि आप गौर करो, अगर आप इतिहास देखोगे शिवाजी महाराज का, तो हर समय चूके की जान गई, इतने कठिन माहौल में उन्होंने एम्पायर खड़ा किया था। हमको वैसा नहीं करना है, हमको बहुत आसान है, कुछ भी कागज पेन की लड़ाई है। बहुत ज्यादा पूरा से पूरा हुआ तो मास्क का 200 रुपए फाइन, इसके सिवा आपके लड़ाई में क्या था ज्यादा से ज्यादा नुकसान, और क्या था? और बहुत ज्यादा हो गया तो अपने मदन दुबे जी वगैरह आज मिस कर रहे हैं उनको, हम ये पूरी टीम थी, और सालवे जी वगैरह पूरी टीम, नोटिस दिया, नोटिस देकर गए, हाँ मास्क नहीं पहन रहे, केस दायर करो, अरेस्ट करो हमारे को। तो ये हमारे जो आंदोलन है, हमारे जो काम का तरीका, हमको उतना कठिन प्रसंग नहीं है, उतनी तकलीफ नहीं है। तो ये इसके लिए भगवान का धन्यवाद दो कि जैसा